आज मैं बना रही हूँ कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे हम सुबह बना के बच्चों के स्कूल के टिफिन में रख सकते हैं, या आप इसे टी टाइम स्नैक्स के टाइम पे भी बना सकते हैं, या सुबह नाश्ते के टाइम पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे हम 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे। आपको भी बहुत पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई करें इसे। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ले लिए हैं आलू। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के इनका छिलका निकाल लिया है और अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। इसे हमें पानी में कद्दूकस करना है, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। अगर हम इसे बिना पानी के कद्दूकस करेंगे तो ये काला हो जाता है। और अब हम इसका पानी निकाल लेंगे, इस तरह से हाथों से दबाते हुए अच्छे से सारा पानी इसको हम दूसरे बोल में डाल देंगे। ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल पतली सी स्लाइस की तरह ग्रेट किया है इस तरह से, और बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। और इसे हमने बिल्कुल पतली साइड से ग्रेट किया है और एकदम लंबी पतली लेयर में ग्रेट किया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसी, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, जब मुंह में आता है जीरे की बाइट में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी बिल्कुल नहीं होती है और कलर बहुत बढ़िया देती है। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट करा हुआ लहसुन और अदरक। मैंने इसको बारीक ग्रेट कर लिया है इस तरह से। चाहे तो आप इसमें अगर लहसुन नहीं खाते तो अदरक ही अदरक डाल सकते हैं और ये बहुत बढ़िया टेस्टी देगा। इसको बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे, चम्मच से बहुत बढ़िया करके मिक्सर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे इसे। इस तरह से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे गेहूं का आटा। इस टाइम पे मैंने 1 कप लिया है और धीरे धीरे इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें मैं पानी का यूज बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि आलू में काफी सारा पानी होता है और वो नमक डालने के बाद और ज्यादा पानी छोड़ता है। तो मैंने आटा सारा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अब हम इसके नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हाथ में उठाएंगे और इसे इस तरह से टिक्की का शेप देंगे हम इस तरह से। और इधर मैं तेल गर्म होने के लिए मैंने अच्छे से रखा था पहले ही, तेल बहुत बढ़िया तरीके से गर्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा तेल रखा है। और इसे हम इसमें डालेंगे नाश्ते को इस तरह से, जितनी एक बार कढ़ाई में आते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसे सिकने देंगे। एक तरफ से सिक जाएंगे तो हम इसे इस तरह से चम्मच की मदद से पलट देंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ रहा है इस तरफ से, तो हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक का पकने देंगे और उलट पुलट के बहुत ही बढ़िया कलर आने तक का पकाएंगे इसे हम। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बहुत जल्दी बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर तक बहुत बढ़िया तरीके से नहीं पकेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम इस तरह से छन्नी में निकालेंगे, जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ऑयल नहीं सोखते हैं। ये देखिए, तो अब हम इस तरह से सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमारा सारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं और फटाफट बन के तैयार भी हो जाते हैं। इसमें हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आलू हमारे घर में हमेशा रहते हैं और आटा भी हमारे घर में हमेशा रहता ही है और सारे मसाले जो हैं वो तो हमेशा हमारे सबके घर में ही रहते हैं। तो ये देखिए इसके साथ हमने बनाई है धनिया पुदीने की हरी चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। आप जरूर बनाएं इसको और बना के कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं ये बाहर से, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आता है क्योंकि ये फ्लेवरफुल है और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।